Good morning to all. In this video lecture, we are going to study about the reproductive system of prawn. In this whole video lecture, we will discuss about the male reproductive system, female reproductive system, sexual dimorphism, and the life history of prawn. So this slide represents sexual dimorphism. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हम एक्सटर्नली किस तरह से मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो मेल को अगर हम देखते हैं तो मेल्स आर मोर बिगर, इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल. मेल एब्डोमेन जो होता है मेल्स में नैरो होती है. वॉकिंग लेग्स होती हैं वो क्लोजली अप्रॉक्सीमेटेड होती हैं. इसके अलावा सेकेंड वॉकिंग लेग्स जो होती हैं ये लॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्पाइनी होती हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल. मेल्स में जो सेकेंड पीओपोड होता है वहाँ पे आप जब अपेंडिसेस को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेंड मैस्कुलाइना सेकेंड पीओपोड में अपेंडिक्स मैस्कुलाइना स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, और जबकि फीमेल्स में ये एब्सेंट होती है. इसके अलावा जो मेल्स में टेस्टिस होती हैं वो कैसे होती है, अगर हम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देख करके हम उसको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करें तो टेस्टिस, और एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या जो सिस्टम है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका शेप साइज पोजिशन सब कुछ एक जैसा होता है. तो अगर हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर को ओवरी से कंपेयर करें तो टेस्टिस जो होती हैं इलॉन्गेटेड होती हैं और इनके बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा क्लियर होता है, जबकि ओवरीज जो होती हैं इसके दोनों एंड फ्यूज होते हैं और गैप जो होते हैं वो शॉर्ट होता है. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं इसमें जो डक्ट होती हैं वास डिफरेंस जो होती है उसका एंटीरियर रीजन जो होता है वो कॉइल्ड होता है, जबकि ओविडक्ट में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता. और जो गोनोपोर की प्रेजेंस होती है, गोनोपोर जो है ये मेल्स में फिफ्थ वॉकिंग लेग्स जो होती है उनके ऑक्सल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन फीमेल्स में गोनोपोर जो होता है ये थर्ड वॉकिंग लेग के ऑक्सल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिस इज द टेस्टिस. तो टेस्टिस का एंटीरियर रीजन कैसा है, फ्यूज्ड होता है, वाइट कलर की होती है, एलोंगेटेड बॉडी है, सेंटर में एक गैप प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली किसके लिए होता है, कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए होता है. और ये स्ट्रैंड जो है ये कार्डियो स्टैंड्स फॉर हार्ट एंड पाइलोरिक स्टैंड्स फॉर पाइलोरिक स्टमक. तो कार्डियक और हार्ट और पाइलोरिक स्टमक को कनेक्ट करता है. इसका अगर हम टीएस देखते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथीलियम प्रेजेंट होती हैं. जर्मिनल एपिथीलियम जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और स्पर्मेटोजोआज का डेवलपमेंट होता है. तो मेच्योर स्पर्म जो होती हैं इसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है और टेल जो है इनकी ब्लंट होती है. सेकेंड पोर्शन होता है वास डिफरेंस. वास डिफरेंस का जो एंटीरियर रीजन होता है ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है और पिस्टेरियर रीजन जो होता है ये अनकॉइल्ड होता है. नाउ थर्ड सेमिनल वेसिक्यूलर सेमिनलिस और सेमिनल वेसाइकल. सेमिनल वेसाइकल एक्चुअल में ये एक्सटेंडेड पोर्शन कहें वास डिफरेंस का, तो ये काफ़ी स्वेलअप हो जाता है. वास डिफरेंस का जो एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन होता है ये स्वेलअप होकर के फूली हुई जैसे स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ पे जो होता है ये सेमिनल वेसाइकल की तरह वर्क करता है. सेमिनल वेसाइकल स्पर्मेटोजोआ के कलेक्शन से रिलेटेड होता है. यहाँ पे क्या है ये स्टोर करके रखे जाते हैं, स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो मेल गोनोपोर के थ्रू ओपन होता है. तो मेल गोनोपोर की पोजीशन हमने पहले ही डिस्कस की है, ये प्रेजेंट होती है फिफ्थ वॉकिंग लेग के कॉक्सल सेगमेंट में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ओवरी एंड ओविडक्ट. ओवरीज जो होती हैं ये व्हाइट इन कलर की होती हैं, क्रिसेंट सिकल शेप्ड होती हैं. इसके दोनों एंड्स फ्यूज होते हैं. आप यहाँ देखेंगे टेस्टिस में एंटीरियर एंड फ्यूज था जबकि यहाँ पे दोनों एंड्स फ्यूज होते हैं. जो गैप होता है कार्डियो पाइलोरिक स्टैंड के लिए ये काफ़ी कम होता है. देन ओविडक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. ओविडक्ट का एंटीरियर रीजन कॉइल्ड नहीं होता है, सिंपल ओविडक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. एंड ओविडक्ट्स जो होती हैं वो फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू बाहर की तरफ खुलती हैं और फीमेल जेनाइटल पोर की जो पोजीशन होती है वो होती है थर्ड वॉकिंग लेग्स का कॉक्सल सेगमेंट. अगर हम ओवरी का टीएस देखते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में ओवाज नजर आते हैं.
जो अर्ली होते हैं या इमेच्योर ओवास होते हैं वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और धीरे धीरे जब हम पेरिफेरल रीजन में जाते हैं तो हमें मेच्योर ओवा दिखाई देते हैं। ओवास जो मेच्योर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योक। तो योक का अमाउंट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, तो डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए योक का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। इसकी लाइफ हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ब्रीडिंग सीजन जो है वो इनका मई जून जुलाई रहता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मेल डिपॉजिट स्पर्मेटोफोर नियर द जेनाइटल ओपनिंग ऑफ द फीमेल एंड द एग्स गेट फर्टिलाइज एज दे कम आउट। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बाद में जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं ये फीमेल बॉडी के एब्डोमेन से अटैच रहते हैं थ्रू द सिक्रेशन ऑफ टैगमेंटल ग्लैंड। ये स्टिकी सिक्रेशन होता है। तो जो फीमेल जो होती हैं उनको ब्रीडिंग सीजन में क्या कहते हैं? इन बेरी कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं अगर उसकी एब्डोमेन पे बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं। एग्स का एरेशन होता है बाय द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ वाटर। और एग्स कैसे होते हैं यहाँ पे? सेंट्रोलेसिथल। तो डेवलपमेंट किस तरह का होगा अगर हम बात करें तो सेंट्रोलेसिथल एग्स के लिए स्पेसिफिकली सुपरफिशियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। और सुपरफिशियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, जो सेंटर में एक एग के सेंटर में हमें योक होता है और न्यूक्लियस जो है वो इनिशियल कंडीशन में पेरिफेरल पे प्रेजेंट होता है। तो जो सेल्स बनती हैं वो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सुपरफिशियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। फिर डिटर्मिनेट टाइप का होता है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सेल्स होती हैं उनका फेट पहले से ही डिसाइडेड रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है विदाउट एनी लार्वल स्टेजेस। और इसके जो डेवलपमेंट में 5 to 6 weeks का वक्त लगता है। प्रॉन का जो लाइफ एज है वो है 3 to 5 years। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।